ताज़ा तरीन इस्लामी बयानात, नात, मनकबत, दीगर इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल कादरी बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें। इस वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाहु खैर। मिल रहा है हमेशा मिलेगा। मेरे तमामी सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हमारे YouTube चैनल कादरी बरकाती नेटवर्क पर ऑनलाइन मखारिज कोर्स शुरू हो चुका है, जिसका आज सबक नंबर 6 पढ़ाया जा रहा है। और सबक नंबर 5 में हमने ये बताया था कि हरफों को जब मिलाकर लिखते हैं तो वो उसकी कितनी शक्लें बनती हैं। उसके सिलसिले में हमने आप हजरात को सबक नंबर 5 में बता दिया था। अब आइए सबक नंबर 6 में तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, उसको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले अलिफ़ और लाम को मिला कर के किस तरह लिखा जाता है उसे यहाँ पर बयान किया गया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। अब यहाँ पर काफ की शक्लों को तहरीर किया गया है, लिखा गया है, तो उसको आगे पढ़ते हैं। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता। अब आगे बा ता सा नून और या को मिलाकर लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं। बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, बा सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। बस यहीं पर मैं अपने सबक को मुकम्मल करता हूँ। तो आप हजरात से गुज़ारिश की जाती है कि इस सबक को बार बार रिपीट करें और हर्फ को पहचानने की पूरी कोशिश करें, और पार्ट नंबर 2, 3, और 4 के अंदर जो इनके मखरज बयान किए गए हैं उनको खूब अच्छे तरीके से याद करें और इसको भी बार बार रिपीट करते रहें। बस यहीं पर मैं अपने सबक को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब को दीन मतीन की सही समझ अता फ़रमाए और मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पर सही मानों में चलते रहने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।